हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 17 लेक्चर ऑफ क्लास 9 इन हिंदी मीडियम। चलिए देखिए, हम पिछले लेक्चर में जहाँ पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं, 14वें प्रश्न पे आते हैं। तो परमेय कर के, तो प्रत्येक को परमेय परमेय हर के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, सवाल दे रखा बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, और दूसरा सवाल दे रखा है 3 क्यूब रूट ऑफ 15 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 4। तो बी स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी को क्या करेंगे कि ये जो दिया है इसको करेंगे और इनटू यहाँ पे प्लस सी है, ठीक है, इसको माइनस सी कर देंगे, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अंडर रूट में ये आ जाएगा ब्रैकेट में, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, यह क्यू स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, यह इसका आंसर रहेगा। देखिए दूसरे प्रश्न में है 3 क्यूब रूट ऑफ 15 क्यूब रूट ऑफ 4 अपान में है, यहाँ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 4, इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि यह हर आपका परिमेयीकरण बन जाता है। यहाँ क्यूब रूट है यानी कि अगर 8 रहता तो यह परिमेय संख्या परिवर्तित हो जाती। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट क्यूब रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ, अब यह हो जाएगा 15 इंटू 2 यानी 30, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 क्या जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 क्यूब रूट ऑफ 30 अपॉन 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक सवाल है, देखने में लग रहा है बड़ा सा लेकिन बहुत छोटा है। देखिए अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 80 प्लस अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 45 माइनस 27। तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें जो संख्या बाहर निकले उसको निकाल लीजिए। तो देखिए 4 × 4 × 5 लिख सकते हैं 80 को, 48 को 4 × 4 × 3 लिख सकते हैं, 45 को 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं, और 27 को 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 4 का जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 3 का जोड़ा, यहाँ 3 का जोड़ा, इसको बाहर निकाल लीजिए तो इस रूप में आ जाएगा। अब इस रूप में आने के बाद ध्यान से देखिए, यह 4 √5 है, यहाँ 3 √5 है, तो यह एक साथ लिख लीजिए, और यहाँ 4 √3 है, यहाँ 3 √3, इसको एक साथ लिख लीजिए। लिख लेने के बाद देखिए यह घट जाएगा, है ना, घटने के बाद इसके जो बाहर वाली संख्या सिर्फ वही घटती है, 4 × 3 का 1 हो जाएगा यानी √5 बचेगा, और यहाँ 4 √3 में से 3 √3 घटेगा तो क्या जाएगा, 3 बचेगा, ऊपर भी है ये नीचे भी है, तो पूरा पूरा कट जाएगा और एक इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें ए बी का मान निकालना है। यह परिमेय संख्या के रूप में दे रखा है, यह अपरिमेय संख्या के रूप में दे रखा है, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में करना है। ए प्लस पी अंडर रूट ये दोनों तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले हर का परिमेय करेंगे तो यहाँ साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इधर दाएं तरफ उसी तरह लेते चल रहे हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस तरह रूप में लिखा जाएगा, यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग संख्या है, तो पहले इस संख्या का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसी प्रकार फिर इस संख्या का इसमें करेंगे, फिर पुनः इस संख्या का इसमें करेंगे, और इस संख्या का भी इसमें करेंगे। तो देखिए इस रूप में हो जाएगा, अंडर 3 √5 का करेंगे पहले लें तो 4 √5 इंटू 3 √5 प्लस 3 √2 इंटू 3 √5 प्लस 4 √5 इंटू 2 √2 प्लस 3 √2 इंटू 2 √2, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप हो जाएगा, ठीक है ना, √3 √5 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर, और दाएं तरफ वही रहेगा। ध्यान से देखिए इसको हल करने में क्या प्राप्त होता है, 60 + 9 √10 और यहाँ 8 √10 और प्लस 12 और यहाँ 45 - 8, ठीक है, √10, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 72 + 17 √10 और यहाँ 37, यहाँ इस रूप में आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 72 / 37 जाएगा प्लस 17 / 37 √10 के रूप में लिख लेंगे। अब दोनों पक्षों की तुलना करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यह पूर्ण रूप से परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी, ये बराबर 72 / 37, और यह √10 अपरिमेय संख्या के साथ लगा हुआ, यह भी √10 अपरिमेय संख्या के साथ लगा हुआ, इसलिए बी का मान क्या आ जाएगा, 17 / 37। इस तरह से ए और बी का मान हमें प्राप्त हो गया। इसी तरह सवाल लगा करके आप प्रैक्टिस करिएगा,